नमस्कार दोस्तों, आज आया हूँ मैं गांव सहरसा में और जो आप ये दृश्य देख रहे हैं, मैं गांव सहरसा स्टम छिलछा में हूँ स्टम। और आप इसके बगल में बिल्कुल ये गांव सहरसा है और ये पेवा से करीब कोई 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर पीछे पड़ता है कुरुक्षेत्र साइड में। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें गाँव सहरसा का छिलछा। आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको भाई इधर क्या क्या घटना घटी हुई है और यहाँ पर माना जाता है कि नमस्कार दोस्तों, आज आया हूँ मैं गांव सहरसा में और जो आप ये दृश्य देख रहे हैं, मैं गांव सहरसा स्टम छिल के पक्के सबूत हाँ भाई, भी मनावरा जुत्ती झाड़ी हुई है। बाकी देखेंगे जाग उठा भाई, जुत्ती झाड़ रखी गया, कसी का टाक मर रहा, थोड़ा जाए पीछा बेरा चलेगा भाई। और सारी जानकारी अपना दिन दे रहे, बने रहे हमारे साथ। इस टाइम हम हैं गाँव सहरसा में जो कि पेवा शहर के अंदर पड़ता है और पेवा से कोई करीब 10-15 किलोमीटर कुरुक्षेत्र साइड में यही जाओगे। देखते हैं ये सड़क जाती है सीधी छिलछा गाँव सहरसा में, बने रहे हमारे साथ, देखते रहें वीडियो। और भाई कोई वीडियो में कोई गलत जानकारी दे दी हो भाई माफ़ करिए दोस्तों, क्योंकि इमाम भी जो वीडियो बना रहे हैं कोई पक्के ठोस सबूत नहीं हमारे पास भाई उरा यह घटना घटी हुई है। जिस हफ्ते उरा जानकारी मिलेगी उस हफ्ते अपना जानकारी देंगे भाई गाँव सहरसा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, देखते रहे हमारे साथ, बने रहे वीडियो में। अभी कुछ ही देर के अंदर हम पहुंच जाएंगे छिलछा के ऊंचे ऊंचे पहाड़ टिल्लों पे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक किस्म का पहाड़ी इलाके वाला सिस्टम है, देखेंगे वहाँ पे जाके क्या कुछ है। और आप मेरे सामने बिल्कुल देख भी रहे होगे भाई, जो गेट है उस गेट पे ही जानकारी मिल जाएगी हमें छिलछा में स्टम। और आप इसके बगल में बिल्कुल ये गांव सहरसा है और ये पेवा से करीब कोई 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर पीछे पड़ता है कुरुक्षेत्र साइड में। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें गांव सहरसा का छिलछा। आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको भाई इधर क्या क्या घटना घटी हुई है। और यहाँ पर माना जाता है कि महाभारत के पक्के सबूत आज भी पाए जाते हैं। आप हमारे साथ वीडियो देखते रहें और चलते रहें ना। अभी चल रहे हैं हम छिलछा और ये गांव सहरसा में है और आज भी ये बात बोलते हैं कि अड़ोस पड़ोस वाले भाई, यहाँ पर महाभारत के पक्के सबूत हैं। चलो बाकी जो सबूत होंगे आपको दिखा देंगे, बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारी वीडियो। बिल्कुल जंगल जैसा माहौल है और आप इसमें आइडिया लगा सकते हो देख कर कि हम एक दफ़ा ये सोच रहे हैं कि हम कहीं पहाड़ी इलाके में तो नहीं आ गए। आप बिल्कुल देख सकते हो ऐसी डरावनी आवाज़ें, बिल्कुल डरावनी आवाज़ें पक्षियों की, जैसी बहुत अच्छा माहौल है इधर और बिल्कुल डरावनी आवाज़ें आ रही हैं। आप हमारे साथ देखते रहे वीडियो और आगे की जानकारी आपको पूरी पूछताछ के जब ही देंगे, क्योंकि हमें इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। दोस्तों जो आप ये तालाब देख रहे हो, ये तालाब भीम ने अपने द्वारा खोद के बनाया हुआ है जब यहाँ पर युद्ध चला था पानी पीने के लिए। आप देख सकते हो कि कितना बड़ा तालाब है ये, चारों तरफ इसके पहाड़ जैसा माहौल है। देख कहा चलिए भाई, कभी सांप से बोर अभी इस समय हम रिस्क लेके तालाब के नज़दीक जा रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ बिल्कुल जंगल का माहौल है इधर छिलछा में। आप आइडिया नहीं लगा सकते कि पहले ज़माने में कितनी शक्ति हुआ करती थी जो इतना बड़ा तालाब खोद दिया भाई। बाकी कई बंदे को भी भाई जुत्ती झाड़ रही हुआ भी मना भाई, जो ठोस सबूत हैं, पर जहाँ हमने पूछा भाई जो ये तालाब है, इस तालाब को भीम ने अपने हाथों से खोद के बनाया हुआ है। जो आप इस समय ये तालाब देख रहे हो बहुत बड़ा तालाब है भाई, ये पाली आ रही भाई चारों तरफ, ठीक है। ये थोड़ी परली छड़मा भाई कहने तो इसकी चार जगह कसिया जाड़ी हुई है भीम ना। एक कसी वहाँ देख लो भाई, एक कसी होगी, एक ये मेरी साइड में होगी, दो होगी, और भाई एक उस साइड में होगी तीन, और एक वो सामने चार कसियों के साथ ये
खुद हुआ तालाब है भी मैंने जो इसकी जानकारी मिली है माना भाई, और बहुत ही बड़ा तालाब है भाई गाँव सहरसा में छील छह में। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे गाँव सहरसा में। इस टाइम आओ भाई तो आप भी अपनी आंखों से आकर यहाँ ये तालाब देख सकते हो, और ये तालाब बहुत बड़ा है। यहाँ पर पांडव कुछ दिनों के लिए रुके थे, और उन्होंने ये तालाब अपने हाथों से खोद के बनाया था भीम जी ने। आप देख सकते हो कितना बड़ा तालाब है, ये आइडिया नहीं लगा सकते। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे छील छह। इस समय हम छील छह में हैं, और मेरे साथ अफसर जी आए हुए हैं, और यहाँ पे बहुत ही आनंद भरा महसूस हुआ कि भाई हम भी पांडव वो द्वारा बनाए हुए तालाब हमने अपनी आंखों से देखा गाँव सहरसा में। आगे की जानकारी आपको सारी देते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। बहुत पुराने फिड्डे भाई, क्या फिड्डा हुई क्यों नहीं करा, क्या फिड्डा, बहुत पुराना फिड्डा, बहुत ही डरावने। ये तो इसके ऊपर का देखने का भाई अफसर राजा, ऊपर चढ़ कर देखने का तालाब ही। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं ऊपर चढ़ के, सारी सुविधा दे रखी है भाई इधर सरकार ने, क्योंकि जो अच्छी चीज़ है देखने की सरकार भी आपको पूरी सुविधा देगी इधर देखने के लिए। ये देखो यहाँ से ऊपर खड़े होकर दिखाते हैं आपको छील छह तालाब, लकड़ी का ये भाई बिल्कुल, और चारों तरफ भीम द्वारा खोदा गया ये तालाब छील छह गाँव सहरसा में, जो कि पेवा के बिल्कुल पास पड़ता है। क्या कहना चाहोगे अफसर जी आप? जो इतना भाई दिन चार तरफ पहाड़ है, बीच में तालाब है भाई, बहुत ही बड़ा तालाब है भाई। ये ब्रह्म सरोवर से कुछ ही छोटा होगा, आइडिया लगा सकते हो आप। इस समय पानी भी देख सकते हो आप, पानी भी बिल्कुल शुद्ध है, ये नहीं कह सकते भाई पानी ख़राब है, अच्छा पानी है, गहरा ही नहीं बता सकते भाई हम कितनी है इसकी, क्योंकि इसके अंदर हो सकता है कि मगरमच्छ भी हो, पर हम इतना रिस्क नहीं उठाएंगे अंदर बढ़ने का। हम तो सिर्फ आपको चारों तरफ दिखा सकते हैं यहाँ पे भाई, यहाँ पे क्या क्या है, इसके अंदर मगरमच्छ भी बता रहे हैं भाई, इसके अंदर मगरमच्छ भी है, अगर दिखेगा जरूर दिखाएंगे आपको भाई। नहीं भाई सारी सुविधा है सरकार की तरफ से, अगर आप चाहे तो यहाँ पर कुछ टाइम के लिए विश्राम भी कर सकते हो अगर आप थक गए हो। ये मेरे प्यारे मित्र अफसर जी, जिससे हम छिल छह देखते हो थक गए हैं भाई, और बैठ गए भाई, बाकी कोई दिक्कत नहीं, अब सुधर या नहीं बोल रहा पता भाई। आ जाओ जी अफसर जी, चलो खड़े हो जाओ, जो छिल छाल देखनी है भी मोर नर तालाब खुद है यार, देख ले तो मगरमच्छ का डर भी लग रहा भाई, क्योंकि बिल्कुल जंगली इलाका भाई, बिल्कुल ही जंगली इलाका, गर्मी ज़्यादा, पूरी गर्मी लग रही। इस्टम हो रहा इस्टम गाँव सहरसा छील छह देख रहे भाई, माना इस्टम दो डाक तो देख ली भी मैंने भाई, जो उनसे मार रहे थे, तीसरे डाक को पल्ली छड़ा जाओगे भाई। अगर आप जब भी आए कोई दिक्कत नहीं, खुले दिल से आओ भाई इधर, पर सब कुछ देख के जाओ। अभी हमने दो टाक देख लिए भाई, दो पाड़े जिसको हरियाणा भाषा में बोल देते हैं। ओ इस समय हम तीसरे उस पागे भाई, तीसरे पौड़ी पा जो सी भी मना भाई अपने द्वारा, थैंक यू या ये तालाब जो सा ये तालाब भी मना अपने हाथ से खुद का बनाया हुआ है भाई। अरे इस समय हम तीसरी कसी का नशान पा भाई, कसी का जो नशान, थैंक यू या ये सब सुधा देख ले भाई। छील छह बहुत ही ज़्यादा एरिया वहाँ भाई, कम से कम होगी भाई 70-80 किले वहाँ तालाब आई, और चारों तरफ इसके जो भी मना चार टाक फेंक के इस्टम तीसरे टाक पाऊँ भाई, तीसरी पहाड़ पा आगे चलते रहोगे आप लोग ध्यान दे रहोगे भाई। बहुत ही डरावना रास्ता भाई, देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलेगा।
तो गर्मी है भाई, ये जो रेता देख रहे हो ये बिल्कुल तप रहा है भाई। चल रहे हैं फिर भी दिखा देंगे आपको गांव सहरसा का छिलछा। अगर चाहे आप तो चारों तरफ बैठ सकते हो, इसके अंदर गऊ भी स्नान कर रही है भाई। छील छा जो भी मैंने अपने हाथों से तालाब खोदा था भाई, गोती इस समय में छोटे टाक पे आ चुका हूँ भाई। ठीक है, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे छील छा के छपेरा के दर्शन के पेड़ भाई। जो आपने देखा था मैं उस समय वहाँ पे था और अब यहाँ पे हूँ। महाभारत के डैम यहाँ पे पांडवों ने अपने हाथ से इस तालाब का निर्माण किया था भाई। एक भाई ने कितनी सुंदर कला अपने हाथों से मोर बना रहे हैं भाई, इस पर देखा कैसा उस तरह कर परली शर्मा। हाँ देख ले भाई, असली मोर बना रहे हैं भाई ना भाई, कला भाई क्या था भाई, कौन से ने बनाया भाई, धनी ना हम उड़ी रहा अभी इसमें छील छा में सांप सूप भी आऊंगा देखे कभी कड़े कड़े सांप हो मेरा कड़े सांप है जमीन से। और इस समय मैं एक पहाड़ पे हूँ, यहाँ का पेड़ देख रहे हो इसका क्या बाल्टी लगा सकते कितने साल पुराना बड़ा पेड़ होगा भाई। गोरखनाथ का मंदिर है, गोरखनाथ का मंदिर हो रहा भाई। बड़ भी बहुत पुराना भाई, बहुत पुराना बड़ा भाई, आइडिया लगा सकते हो कितना पुराना बड़ा होगा भाई। नीचा जड़ा अच्छी देखभाल कर रही बड़ की भाई, देख सकते हो आप। बट की दाढ़ी है नीचे तक तीन दाढ़ी